वो ही तरह का भ्रष्टाचार चाहे नीचे के स्तर पर हो चाहे ऊपर के स्तर पर हो, यह बिल्कुल ही इस नई सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो मंत्री हैं, जो एनडीए के मंत्री हैं, वह एक उदाहरण का मंत्रालय एनडीए गठबंधन के सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, बीजेपी और हम, इन चार दलों के गठबंधन को बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिताया है, उस पर सभी बिहार सरकार के मंत्री खड़े उतरेंगे। पर जहां हम बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां हम आज सरकार बनने के साथ सभी अपना आगे का लक्ष्य भारत माता पर पुष्पांजलि दे करके शुरू कर रहे हैं, वहीं इस देश में एक ऐसी भी पार्टी है कांग्रेस की, कांग्रेस जो पूरे तौर पर आज देश विरोधी ताकतें और उग्रवादियों के हाथ में जा चुकी है। गुप्कार संगठन में कांग्रेस का शामिल होना बताता है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है, जहां यह कहा जा रहा हो कि युवाओं को बंदूकें उठानी चाहिए, जहां यह कहा जा रहा हो कि भारत के झंडे का सम्मान हम नहीं करेंगे, जहां यह कहा जा रहा हो फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा कि हम चीन की मदद से धारा 370 को वापस करेंगे, इस तरह के व्यक्तियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन यह बताता है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के विरोध की ना होकर एक तरह से देश विरोध की राजनीति के हाशिए पर कांग्रेस जाकर खड़ी हो गई है। और उसके कुकर्मों की तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, पर इन्होंने जो कुछ भी यह निर्णय लिया है, इसके चलते इस देश की जनता कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। और बिहार में जो कांग्रेस इस बार धोखे से कुछ सीटें जीतने में सफल भी हो सकी है, अगले बार कांग्रेस का पूरा सुपाड़ा साफ इसी गुप्त कर के कारण हो जाए।